नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत और टीएलएस कंप्यूटर पर इस कोर्स के पार्ट सिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप ये कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो से। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, लास्ट वीडियोज नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको जब भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आपने लास्ट वीडियोज देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, एमएस वर्ड को चलाने के लिए आपको विंडो आर प्रेस करना होता है, वही नॉर्मल तरीका। विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे और इसके अंदर विन वर्ड टाइप करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड की रन कमांड विन वर्ड होती है। एंटर करेंगे चल जाएगा। मैंने इसको पहले से ही चला के रखा है ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा चीजें सीख सकें, इसलिए पहले से ही फाइल बना के रखी है जो हम सीखने वाले हैं। ये देखिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए मैंने पहले से एक फाइल तैयार करके रखी है ताकि हम कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाएं। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने पेस्ट स्पेशल, क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा का पूरा एंड फॉन्ट ग्रुप एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर की हैं। आज हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पढ़ने वाले हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आपको कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे और ये देखिए, आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। क्लियर है? तो इसका एक तरीका है, कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे चला सकते हैं, या फिर आप फॉन्ट ग्रुप में नीचे देखिए यहां पर एक एरो का साइन है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इसको बोला जाता है। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। क्लिक करेंगे आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका कंट्रोल डी दबाएंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर नहीं मिलती, अंदर मिलती हैं। सबसे पहले यहां पे आपको लैटिन टेक्स्ट में मिलेगा, बॉडी का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया यहां पर, क्या सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? इसको एक बार टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल ए। चलिए अभी क्लियर है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने यहां पर पहले सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, कंट्रोल डी प्रेस किया और यहां पर ये देखिए बॉडी का ऑप्शन आ रहा है। फॉन्ट में हमने बॉडी चेंज कर ली, यहां से आप हेडिंग, ठीक है, हेडिंग वगैरह कोई भी आपने जो भी आपने फॉन्ट चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ये लिया, यहां से रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको बाहर भी मिलते हैं फॉन्ट ग्रुप में, इजीली आप वहां से कर सकते हैं। अब आपने जो भी साइज रखना है साइज यहां से चूज कर लेंगे, साइज जो भी करना है कर सकते हैं और ओके करेंगे। एंड देखिए यहां पर चेंज हो चुका है, ये देखिए यहां पर चेंज हो चुका है, जो भी आप फॉन्ट लगाएंगे वो हो जाएगा जैसे नॉर्मली बाहर से होता है। क्लियर है? चलिए, ये तो आप जानते होंगे, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। अब यहां पर देखिए, हाँ, नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। तो ये वाला ऑप्शन लैटिन टेक्स्ट तो सब जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का ऑप्शन बहुत कम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर अगर मैं नॉर्मली इसको सेलेक्ट करके, सबसे पहले कंट्रोल जेड कर दिया, नॉर्मल कर लिया इसको, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर मैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में गया और देखिए मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। ये देखिए यहां पर मैं अप्लाई करता हूं हेडिंग सी एस, या फिर आप जो भी आप यहां से कोकिला, मंगल, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए और यहां पर आप बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक जो करना चाहते हैं। मैंने यहां से साइज को बड़ा कर लिया, ठीक है, ये देखिए 28 कर लिया और अब मैं यहां पर इसको अप्लाई करता हूं। अब आप देखिए, तो कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया है। अब ये क्यों नहीं आया है? चलिए कंट्रोल डी, ये जो ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का, ये रीजनल लैंग्वेज के लिए होता है, ठीक है। ये रीजनल लैंग्वेज जैसे आपकी उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अगर आप हिंदी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, गुजराती आप टाइप करते हैं तो उस पर ये वर्क करता है, ये इंग्लिश पे वर्क नहीं करता है। देखिए कैसे, इसीलिए मैंने यहां पर हिंदी को टाइप करके रखा है। तो हिंदी पे इसको सेलेक्ट करते हैं, अभी हमने हिंदी को सेलेक्ट कर लिया, अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और अब आप देखिए यहां से मैं अप्लाई करता हूं मंगल या कोकिला, मैंने कोकिला अप्लाई किया और यहां पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए प्रीव्यू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं कोकिला जैसे अप्लाई करता हूं तो यहां पर ये देखिए आपको यहां पे जो है ये प्रीव्यू यहां पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहां से जैसे अप्लाई कर दिया, मैंने मंगल ले लिया और यहां पे इटैलिक कर दिया इसको और यहां पे ये देखिए नीचे यहां पर ये देखिए यहां पे देखते रहिए, इंग्लिश में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, हिंदी में चेंजमेंट आएगा। इसको 48 कर दिया या 36 कर दिया एंड ओके कर दिया। अभी आप देखिए हिंदी में चेंजमेंट आ चुका है। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, कंट्रोल डी प्रेस किया, अभी क्लियर है। जो लैटिन टेक्स्ट है
ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है लैटिन टेक्स्ट का, ये इंग्लिश पे वर्क करता है, और जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का जो ग्रुप है, यहां से फॉन्ट स्टाइल साइज ये पूरा हमारा रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी उर्दू गुजराती पंजाबी इन सब पे वर्क करता है। यहां से मैं एक बार आपको और सारी चीजें बदल के दिखा देता हूं। ये देखिए संस्कृत टेक्स्ट मैंने यहां से लिया और यहां पर मैं वही साइज बोल्ड ले लिया, मैंने इसको यहां पे बोल्ड कर दिया एंड यहां पे साइज को कर दिया। अब देखिए ओके करेंगे तो चेंजमेंट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब हम आते हैं नीचे यहां पर ऑल टेक्स्ट के ऑप्शन में, आपको क्या क्या मिलता है ऑल टेक्स्ट ग्रुप में। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए यहां पर आप करेंगे क्या, मैं पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जो भी आप अप्लाई करते हैं, जो भी आप यहां से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस किया, यहां पे स्ट्राइक थ्रो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। यहां पर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने कलर देना है। ये मैंने रेड कलर ले लिया यहां से। अंडरलाइन जो भी आप ले सकते हैं, अंडरलाइन का ऑप्शन आपको बाहर भी मिलता है फॉन्ट ग्रुप में, वहां से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको वर्ड्स ओनली अंडरलाइन भी मिलती है, ठीक है। वर्ड्स मतलब वर्ड्स के नीचे आएगी, पूरी लाइन में नहीं आएगी। मैंने वर्ड्स ओनली लगा दिया और यहां पर आप अंडरलाइन का कलर भी चूज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर ब्लैक रहने देते हैं और अंडरलाइन का कलर अपन रेड कर देते हैं, ठीक है। अब ओके करते हैं। अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इस बार जो अंडरलाइन आई है वो वर्ड्स के नीचे आई है, क्लियर है। और ये ऑप्शन हमें फॉन्ट में नहीं मिलता। यहां पर देखिए जब अंडरलाइन के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहां पे आपको वर्ड्स ओनली का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये हमें कहां मिलता है, डबल, ये डबल अंडरलाइन, ये वर्ड्स ओनली अंडरलाइन का ऑप्शन हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलता है, क्लियर है। चलिएगा अब यहां से आप स्ट्राइक थ्रो भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। प्रीव्यू साथ साथ चलेगा, मैंने सेलेक्ट करके रखा है यहां पर, देखिए ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है। हाँ, यहां पे आप स्ट्राइक थ्रो भी लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो लगाएंगे तो आप नीचे देखिए प्रीव्यू यहां पे चल रहा है, ये बीच से कट कर देगा। ये सारी चीजें स्ट्राइक थ्रो आप जानते हैं, बाहर से सीख लिया था। डबल स्ट्राइक थ्रो सिंगल कट करता है, ये डबल कट करेगा, डबल लाइन आएगी, ठीक है, डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको मैंने फॉन्ट ग्रुप में समझा दी है। यहां से स्मॉल कैप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्मॉल कैप्स का ऑप्शन देखिए क्या होता है, जैसे अभी यहां से मैंने चेंज केस किया और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया इसको, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड जैसे किया यहां पर, देखिए हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो चुका है। तो अभी हमारे सामने जो है टेक्स्ट, इसका हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा है, क्लियर है। अब देखिए हम चलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में और मैं यहां से अप्लाई करता हूं स्मॉल कैप्स। क्या अप्लाई करता हूं, स्मॉल कैप्स, ठीक है। स्मॉल कैप्स अप्लाई किया, ओके करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो बड़ा है कंपेयर टू अदर लेटर्स के पूरे वर्ड में। ये देखिए यहां पर हर वर्ड का पहला लेटर आपको बड़ा मिलेगा। अगर यू भी है तो यू में देखिए वाई बड़ा है, कैपिटल तो सारे के सारे हैं, लेकिन हर वर्ड का पहला लेटर साइज में जो है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फॉन्ट रहता है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही प्रोफेशनल लगता है इसको लगाने के बाद, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं स्मॉल कैप्स का ऑप्शन। चलिए अब यहां से इसको सिंपल कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब हम चलते हैं, अगर ऑल कैप्स लगाते हैं तो ऑल कैप्स आप लगाएंगे, ऑल कैप्स में आप देखते हैं यहां पर ऑल कैप्स अप्लाई करने के बाद नीचे देखिए यहां पर पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने अप्लाई किया, देखिए पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा का पूरा ऑल कैपिटल हो जाएंगे। विंडो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहां से हिडन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। हिडन का ऑप्शन क्या होता है, यहां से मैंने तीन लाइनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस किया और हिडन के ऑप्शन पे टिक कर दिया। अब आप देखेंगे यहां से हमारी वो तीन लाइनें गायब हो चुकी हैं, हाइड हो चुकी हैं, मतलब अभी वो हमारे सामने ही है लेकिन अपन को दिखाई नहीं देगी, हमें दिखाई नहीं देगी, वो हाइड हो चुकी हैं। अब वो दिखेंगी कैसे, तो उसे देखने के लिए वो अभी हमारे डॉक्यूमेंट में ही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो करना ये है उसके आसपास वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी दबाएंगे, अब आपको यहां से हिडन का ऑप्शन हटाने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया एंड ओके करेंगे एंड यू कैन सी आपके सामने सारी चीजें आ गई हैं, क्लियर है। और हाइड करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एच आपने प्रेस करना है, हाइड हो जाएगा। तो हाइड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। तो इसको वापस लाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे,
यहां पर, और देखिए इसको हटा देंगे और वापस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको स्मॉल कैप सप्लाई करना है तो स्मॉल कैप सप्लाई करने के लिए मैं पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे स्मॉल कैप्स अप्लाई हो जाएगा। तो याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच हिडन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के स्मॉल कैप्स अप्लाई करने की शॉर्टकट की होती है। इतनी बात क्लियर है मेरे ख्याल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हमने सारे ऑप्शन कर लिए, यहां पर देखिए सारे ऑप्शन हमारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हो चुके हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेट एस डिफॉल्ट का, टेक्स्ट इफेक्ट का, तो टेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक किया और यहां देखिए नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट आप लगा सकते हैं। सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप कलर वगैरह चूज कर सकते हैं या आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ग्रेडियंट आपको मिलता है, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप प्रीसेट, कुछ प्रीसेट होते हैं बने बनाए, अप्लाई कर देंगे। जैसे ये मैंने यहां पे चूज कर लिया। यहां पे आप टाइप, जो भी आपको टाइप रखना है वो चूज कर लेंगे। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको बनाना है, ये देखिए मैंने इस डायरेक्शन में रखा। और यहां पर एंगल वगैरह चूज करके, और यहां पर आप ग्रेडियंट स्टॉप ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मुझे स्टॉप लेना है, मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर इस पे क्लिक कर दिया, एक और मिल गया। और यहां पर हम कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने रेड कलर रखा, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ग्रीन कलर रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप कलर चूज कर सकते हैं। मैंने यहां पर ब्लू कलर रखा है। अब हम इसको ओके कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे उस टेक्स्ट में ये सारी चीजें अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा आप ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा अप्लाई हो चुका है। चलिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, फिर से टेक्स्ट इफेक्ट में जाते हैं। तो टेक्स्ट फिल में हमने ये सारा कुछ देख लिया, यहां पर ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, नॉर्मल है। ट्रांसपेरेंसी, पोजिशन, ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करना, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल से ऑप्शन है। टेक्स्ट आउटलाइन में आ जाइए, यहां पर आप जो टेक्स्ट की आउटलाइन होती है, बाहर बाहर की जो आउटलाइन होती है उसे आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट आउटलाइन में भी सॉलिड लाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपको प्योर एक कलर देना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट अगर आपने लगाना है तो इसमें भी आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं आउटलाइन में, क्लियर है। इसके अलावा आपको शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो इफेक्ट, 3D, ये सारे ऑप्शन मैं आपको बाहर से बता चुका हूं, यहां पर इसमें कोई नई बात नहीं है, क्लियर है। चलिए अब सेट एज डिफॉल्ट क्या है। अब देखिए यहां पर आपने मान लीजिए इसमें सारी चीजें अप्लाई कर दी, यहां पे आपने यहां पे बॉडी भी बदल दी, फॉन्ट भी चेंज कर दिया, स्ट्राइक थ्रो लगा दिया, डबल स्ट्राइक थ्रो लगा दिया, और अब आप इस पूरी फॉर्मेटिंग को सेट एज डिफॉल्ट करना चाहते हैं, मतलब कि ये पूरी की पूरी सेट हो जाएगी। जब आप एमएस वर्ड चालू करेंगे, चलाएंगे, तो ये जो का तू आपको लगा हुआ मिलेगा, ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। जैसे ही आप सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए जैसे ही हम सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं, हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। तो यहां पर ये आपसे पूछेगा क्या आप जो सेट एज डिफॉल्ट आप करना चाहते हैं, जो फॉर्मेटिंग आपने की वो लगाना चाहते हैं, तो केवल इस डॉक्यूमेंट के लिए रखना चाहेंगे उसे डिफॉल्ट, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट नॉर्मल टेम्पलेट में हम बनाएंगे उस पे सब पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहां से चूज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं कि भाई हम ये फॉर्मेटिंग इस डॉक्यूमेंट के लिए चाहते हैं या सबके लिए। ओके करेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूं। चलिए तो फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एडवांस्ड पर। तो एडवांस्ड का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है, ये देखिए एडवांस पर क्लिक करेंगे, और ये बहुत ही बारीक ऑप्शन होते हैं, बड़ी ध्यान से आपको समझना है। बेसिकली ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्या यूज है इनका। चलिए ये देखिए सबसे पहले यहां पर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, यहां पर हमने एडवांस्ड में पहले से ही जो है कुछ टेक्स्ट को लिख कर रखा है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहां पर ये देखिए आप, ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है स्पेशल टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। जब स्पेशल लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा कि वो किस कंडीशन पे लगते हैं, ये सब पे आप लगा सकते हो। पहला ऑप्शन जो है स्केल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, यहां से 200%, 150%, 90%, 80% आप ये यहां से स्केलिंग ले सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ये देखिए नीचे आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये देखिए किस तरीके से बदलाव आया। ओके करेंगे और ये आप यहां पे देखोगे नीचे वाले टेक्स्ट में और ऊपर वाले टेक्स्ट में जो चेंजमेंट आया वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच हो चुका है, खींच चुका है। कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल डी प्रेस किया, इसको यहां से नॉर्मल कर देंगे, इसको 100% ही रखें, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है अगर आप अप्लाई कर देते हैं 200% या 150% तो वो प्रोफेशनल नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाता, अच्छा नहीं लगता। चलिएगा कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। स्पेसिंग में क्या है, यहां पर आपको एक्सपेंडेड एंड
कंडेंस्ड दो ऑप्शन मिलते हैं। मैं एक्सपांड पे क्लिक करता हूं और यहां पे आप पॉइंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने इंक्रीज किए, इसका मतलब होता है आपके जो कैरेक्टर हैं, ये जो कैरेक्टर हैं इनके बीच स्पेस बढ़ेगा, गैप आएगा, आप देख सकते हैं। आप कम और ज्यादा करके यहां से अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे प्रीव्यू भी चल रहा है, ये देखिए आप देखेंगे नीचे वाले टेक्स्ट में और ऊपर वाले टेक्स्ट में क्या चेंजमेंट आया। कैरेक्टर के बीच में स्पेस को ये बढ़ा देता है और घटा भी सकता है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहां पर हम कंडेंस्ड पर क्लिक करेंगे और अब हम इसको कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके करेंगे तो ये देखिए जो कैरेक्टर के बीच स्पेस है वो कम हो चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं और नॉर्मल मोड में ले आते हैं। फिर से कंट्रोल डी प्रेस किया और यहां पे आप देखेंगे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं, स्केल स्पेसिंग दोनों। पोजीशन का ऑप्शन देखिए क्या है। पोजीशन को देखने के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं पेज को। यहां पर देखिए हमारे पास एक लाइन है, ये भी आपको बराबर दिखाई दे रही होगी। मैंने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि वो पूछते हैं कि सर एमएस वर्ड में अगर हमें कोई लाइन को किसी एक ही लाइन में कुछ वर्ड को ऊपर करना हो, कुछ वर्ड को नीचे करना हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं एक ही लाइन में? तो वो इसी तरीके से हो सकता है। देखिए मैंने एक ही लाइन के इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस किया और इसकी पोजीशन बदलना चाहता हूं, तो मैं रेज्ड इसकी पोजीशन करना चाहता हूं। तो जैसे रेज्ड मतलब होता है उठाना, ठीक है। इस पर क्लिक मैंने किया और यहां पर 4 मैंने कर दिया इसको, आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए नीचे आप देखेंगे प्रीव्यू, देखिए ये ऊपर उठता जा रहा है, तो ये टेक्स्ट इस लाइन से ऊपर उठ गया है। इस तरीके से आप रेज कर सकते हैं इसको। कंट्रोल जेड प्रेस किया, नॉर्मल मोड में ले आए, कंट्रोल डी प्रेस किया, अब आप इसे लोवर्ड कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया और ये अब नीचे की ओर जाएगा, इसको घटाएंगे यहां से और ये देखिए नॉर्मल से नीचे की ओर चला जाएगा। इस तरीके से आप ये चेंजमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं उस टेक्स्ट की जो आपने सेलेक्ट किया है। वापस से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे हमें मिलता है कर्निंग फॉर फॉन्ट्स का ऑप्शन। देखिए ये कर्निंग फॉर फॉन्ट्स, कर्निंग एक टाइपोग्राफिक टर्म्स होती है, ये कैरेक्टर के बीच जो स्पेस होता है उसको एडजस्ट करने का काम करती है। मतलब ये सभी कैरेक्टर पे स्पेस को एडजस्ट नहीं करती, कुछ कैरेक्टर के बीच स्पेस जो होता है उसको एडजस्ट करने का काम करती है। देखिए कैसे, बड़ी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, सभी कैरेक्टर्स पे वर्क नहीं करती, कुछ कैरेक्टर में स्पेस को एडजस्ट करने का काम करती है। मैंने जूम आउट कर दिया पहले, अभी आप देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है, कर्निंग फॉर फॉन्ट्स हमने अप्लाई कर दिया। इसको यहां से आप पॉइंट्स को घटाया बढ़ा सकते हैं, ओके करेंगे। अभी आप देखिए कुछ बदलाव आया होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, ये देखिए कंट्रोल वाई प्रेस करता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, आप देखेंगे डबल टी, यहां पे देखिए डबल टी, डबल टी के बीच में स्पेस कम और ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा कुछ कैरेक्टर के बीच में स्पेस को कम ज्यादा करता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, अब देखिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, स्पेस को एडजस्ट करने का काम कर रहा है कर्निंग फॉर फॉन्ट्स, मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिएगा कंट्रोल जेड कर देते हैं, नॉर्मल मोड में आ जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, अब हमें ऑप्शन मिलता है यहां पर लिगेचर्स। लिगेचर्स क्या है? तो लिगेचर्स भी हमारे ये कुछ कैरेक्टर के पेयर्स होते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन होता है जिसपे ये काम करता है, उनको मिला देता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग मिलाकर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे मुझे लिखना है सी एच, तो हम इस तरीके से लिखते हैं सी एच, तो हमने सी और एच को आपस में मिला दिया। ऐसे ही हमने लिखा यहां पर टी आई, तो अभी आप देखेंगे मैंने टी और आई को मिला दिया, जबकि ये ऐसे भी लिखा जा सकता था टी और आई, ठीक है। तो यही काम करता है लिगेचर्स, ये कुछ कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं जिन पे ये काम करता है, उनको मिला के लिखता है। कुछ कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। चलिएगा अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली, इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। चलिएगा देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पे उसके लिए मैंने एक उसी तरीके की एक फाइल बनाकर रखी है लिगेचर्स की जिन पे ये काम करता है। इस ये देखिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इतने हिस्से को कंट्रोल डी प्रेस किया, अप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड ओनली अप्लाई किया। अभी आप देखेंगे जैसे मैं अप्लाई करता हूं
ओके करेंगे तो अभी आप देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूं। देखिए नॉर्मल ऐसा था, एफ और आई को देखिए, एफ और आई को देखिएगा और कंट्रोल वाई किया, ये देखिए अप्लाई करते ही कैसा हो जाता है, एफ और आई आपस में मिल चुके हैं। देखिए एफ और आई यहां पर आप देखोगे एफ और आई मिल चुके हैं, यहां पर एफ और आई, और यहां पर आप डबल टी को देखिए आपस में मिल चुके हैं। कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं, कंट्रोल जेड किया हट गए, कंट्रोल वाई किया मिल गए। तो ये हमारा लिगेचर्स स्टैंडर्ड ओनली होता है। फिर से सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया और इसको लगाते हैं सेकंड ऑप्शन को, ये भी सेम ही वर्क करेगा, ये भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा और कम हो सकते हैं, सेम काम करता है, अप्लाई हो गया है। कंट्रोल जेड कर रहे हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन इसमें मिलता है, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहां पर कुछ और चेंजमेंट आया है। जैसे एस और टी को देखिए, ठीक है, एस और टी को देखिए किस तरीके से वो आपस में मिल गए हैं। तो ये हमारे लिगेचर्स होते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और मिलता है यहां पर ऑल, अगर आप ऑल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सभी के सभी एक साथ लग जाएंगे, ओके करेंगे तो अभी आप एफ आई को भी देखिए, एस टी को भी देखिए और टी टी को भी देखिए, सब मिल चुके हैं, सारे भी आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, चलिएगा कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और यहां पर नंबर स्पेसिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, नंबर स्पेसिंग, चलिए तो उसके लिए हमें नंबर को सिलेक्ट करना होगा। यहां पर हमने एक नंबर की जो लाइन है वो टाइप करके रखी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहां पर नंबर पे आप जाएंगे तो अभी बड़े ध्यान से आप देखिएगा ये भी नंबर को एडजस्ट करने का काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहां पे आप देखिए कंट्रोल जेड करते हैं, पहले था हमारा ऐसा, जैसे ही उसको अप्लाई किया कंट्रोल वाई तो वन को देखिए और उनके बीच के स्पेस को देखिए, अप्लाई करते ही वन किस तरीके का हो चुका है। तो ये भी नंबर के जो है फॉर्मेट को थोड़ा बहुत चेंज करता है। क्लियर है, चलिएगा ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं, आप लगाकर देख लीजिएगा, बहुत आसान है। कंट्रोल डी, इसमें एक ऑप्शन और है, आप लगा के देख लीजिएगा, सेम है। नंबर फॉर्म्स पे आ जाइए, यहां पर ओल्ड स्टाइल हमने अप्लाई किया, अभी आप देखेंगे कि जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो गए, एक नंबर ऊपर एक नीचे, ठीक इस तरीके से हो जाता है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जैसे आप दूसरा ऑप्शन लगाएंगे यहां पर तो ये एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। चलिएगा कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं, अब यहां पे स्टाइलिस्टिक सेट्स का ऑप्शन आपको एक मिलता है, ये देखिए सबसे एंड में स्टाइलिस्टिक सेट्स का ऑप्शन आपको मिलता है, ये क्या होते हैं। तो हमने यहां पर स्टाइल सेट्स, हमने पहले से कुछ टेक्स्ट लेकर रखा है, इसको पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। ये हमें डिफरेंट कैरेक्टर वेरिएशन प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है आप जैसे ही मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर में बदलाव आता है, जैसे वाई को आप नोट करेंगे, आप दूसरे कैरेक्टर को नोट करेंगे अप्लाई करते ही वो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं, बाकी तो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। हर कैरेक्टर के ये वेरिएशन हमें अलग अलग प्रोवाइड करता है, जैसे देखिए यहां पर मैं वाई को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा सेट्स वन अप्लाई करूंगा तो वाई आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे ही y हम कभी कभार ऐसे लिखते हैं तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा y ऐसे बन जाएगा। तो अभी आप मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है, चलिएगा प्रैक्टिकल देखते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसमें एक चीज होती है, ये हर फॉन्ट पर अप्लाई नहीं होता, कुछ फॉन्ट पर अप्लाई होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर मुझे एक फॉन्ट मिला है, उसे हम पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर एरियल ब्लैक एक फॉन्ट होता है, आप वो अप्लाई करिए पहले, और यहां पर ये रहा ये फॉन्ट एरियल ब्लैक फॉन्ट, यहां पर अप्लाई कर लेंगे। और देखिए अब हम कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं और यहां पर जैसे आप जाएंगे मैं वन अप्लाई करता हूं तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, तो अभी आपको कोई इसमें बदलाव नहीं दिखाई देगा। चलिए सेकंड पे देखते हैं क्या बदलाव होता है, मैंने कहा ये सेट्स होते हैं बने बनाए, ओके करते हैं तो आप देखोगे बदलाव हो चुका है। देखिए किस तरीके से आपका जो है पूरा का पूरा टेक्स्ट बदल चुका है, ठीक, हर कैरेक्टर अलग अलग तरीके से आ रहा है। अब यहां पर फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहां पर अगला सेट जब आप अप्लाई करेंगे थ्री, तो ये देखिए यहां पर वाई किस तरीके से आया, अभी देखिए पूरा का पूरा लेआउट जो है इसका फॉन्ट का बदल चुका है। कंट्रोल डी, यहां पर मैं देखिए डिफॉल्ट करके दिखाता हूं, हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो इस तरीके से था, जैसे ही हमने इस पर अप्लाई किया थ्री पे
और ये देखिए बदलाव जो आया है आपके सामने है, ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये बदलाव हमारे आते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे इसमें काफी सारे आपको मिलते हैं, ये 20 सेट्स मिलते हैं, आप अप्लाई करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे अलग अलग इसमें परिवर्तन आते हैं, ठीक। अब हमारा लास्ट ऑप्शन यहां पे आता है, यूज्ड कॉन्टेक्स्चुअल अल्टरनेट्स। बहुत कम फॉन्ट पर ये अप्लाई होता है, आपको बता देता हूं इसका क्या यूज होता है। चलिएगा, तो इसके लिए भी मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है पहले से ही, ये देखिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहां पर मैं आपको एक फॉन्ट बता रहा हूं जिसपे आपको दिखाई देगा, पहले मैं आपको नॉर्मल इसको लगा के दिखाता हूं। देखिए नॉर्मल फॉन्ट पे नहीं लगता, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, टिक करेंगे इस ऑप्शन को, और देखिए अभी आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था इसको समझ लीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है जैसे आपने देखा होगा कुछ फॉन्ट जो हमारे होते हैं, कुछ कैरेक्टर हमारे ऐसे होते हैं, जब हम उनको बनाते हैं तो जैसे स्पेस प्रेस करते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जबकि हम उन्हें अलग अलग टाइप करते हैं लेकिन वो स्पेस देते ही चिपक जाते हैं, बनते ही साथ में। तो ऐसा ना हो, वो ना चिपके, स्पेस देते ही वो चिपके ना, इसलिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। लेकिन ये हर फॉन्ट में काम नहीं करता, कुछ फॉन्ट में काम करता है, आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम क्लिक करते हैं, मैं यहां पे एक फॉन्ट ले लेता हूं, हाँ तो ये फॉन्ट मैंने ले लिया, गैबरियोला फॉन्ट इसका नाम है। एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसको जूम कर देता हूं, तो ये देखिए यहां पर अभी आपको दिखाई देगा, बड़े ही ध्यान से समझना, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, मैं अप्लाई करता हूं, पहले नॉर्मल ये ऐसा है, अभी देखिए यहां पर आप आर के बीच में, डबल आर के बीच में देखिए अभी क्या है, ये मिले हुए हैं बिल्कुल। Y और P के बीच में देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ऊपर से देखिए मिले हुए हैं। T और U के बीच में देखिए मिले हुए हैं, M और E के बीच में देखिए। अभी जब मैं अप्लाई करूंगा तब आप देखना, कंट्रोल D प्रेस करते हैं, मैंने कहा जो चिपके हुए होते हैं उनको अलग कर देता है, टिक करेंगे, ओके करेंगे। अभी आप देखिए Y और P को देख लीजिए, गैप आ गया है, मैं जूम करके दिखा देता हूं, देखिए यहां पर Y और P को देखिए, R और R को देखिए, देखिए सबके बीच गैप आ चुका है। तो ये था इस ऑप्शन का यूज, ठीक है। चलिएगा, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन हो चुके हैं। तो आज हमने अपना देखिए फॉन्ट ग्रुप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहा है। अगर इसमें कोई भी ऑप्शन रहा है या किसी भी ऑप्शन में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट और लाइक जरूर करें। नमस्कार।